नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में लगातार खराब प्रदर्शन और फिटनेस जैसी समस्याओं से हार्दिक पांड्या जूझते रहे हैं, लेकिन अब उनसे रिलेटेड जो खबर आ रही है वो चौंकाने और हैरान करने वाली है। जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप 2021 में बेहद ही खराब प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या संन्यास ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक पांड्या कमर की चोट से परेशान हैं और अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए वो क्रिकेट का एक फॉर्मेट छोड़ सकते हैं। हार्दिक पांड्या टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं। इनसाइड स्पोर्ट्स में छपी खबर के मुताबिक बीसीसीआई अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हार्दिक पांड्या अपनी चोट से जूझ रहे हैं और वो टेस्ट से संन्यास के बारे में विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तक आधिकारिक तौर पर बोर्ड को इस बारे में नहीं बताया है। वैसे भी हार्दिक पांड्या अभी टीम इंडिया के टेस्ट प्लान का हिस्सा नहीं है। हालांकि उनका संन्यास टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा और टीम को जल्द से जल्द उनका बैकअप तलाशना होगा। इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सूत्रों ने जानकारी दी है कि हार्दिक पांड्या वनडे और टी20 क्रिकेट में खेलने के लिए टेस्ट को अलविदा कह सकते हैं। बता दें कि हार्दिक पांड्या को साल 2019 में कमर में चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई। पांड्या उसके बाद से ही पहले जैसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। बता दें कि हार्दिक पांड्या को चोट की वजह से काफी नुकसान हुआ है, वो पहले जैसी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं और आईपीएल 2021 और टी20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन लचर रहा है। पिछले एक साल में हार्दिक पांड्या टी20 में कुल 46 ओवर फेंक पाए हैं और वो भी उनकी गेंदबाजी उतनी दमदार नहीं रही। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या टीम से बाहर हैं। हार्दिक पांड्या इस वक्त अपने फिटनेस पर काम कर रहे हैं और खबरों के मुताबिक वो विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। हार्दिक पांड्या के लिए समय काफ़ी कम बचा है, क्योंकि अगले 2 सालों में टीम इंडिया को टी20 और वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। हार्दिक फिट नहीं हुए तो उनका और टीम इंडिया दोनों का नुकसान है। क्या हार्दिक पांड्या को क्रिकेट के एक फॉर्मेट से संन्यास लेना चाहिए? आपकी क्या राय है इस खबर पर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।